हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिस्टोर किट। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मिक्सी का जो ये हिस्सा है, ये पोर्शन जो है, इसका जो रोटेटर है, ये बहुत ज़्यादा घूमने की वजह से अंदर से घिस जाता है। और जब घिस जाता है तो इसके अंदर जो बोल्ट लगा होता है वो अंदर ही रह जाता है। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा, और ये किस तरफ घूमने पे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे ही खुलेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मिक्सी ये मिक्सी मेरे पास अगर ठीक नहीं होने के लिए आई थी, तो मैंने जुगाड़ करके इसमें प्लास्टिक पिघला के इसमें वापस इस तरह से लगा दिया था। तो ये लगभग चल गई 15-20 दिन, लेकिन दोबारा से घिस के वापस ऐसी हो गई है। तो इस बार मैंने परमानेंट जुगाड़ करने कुछ ये नया ये लेकर आया हूँ, तो ये लगा दूंगा इसमें वापस। किस तरह से लगाया जाएगा ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ अभी, तो वीडियो में बने रहें, एंड तक वीडियो देखें। तो दोस्तों, ये चीज़ निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस मोटर को नीचे करना होगा। तो नीचे करने के लिए यहाँ पर 4 पेंच होते हैं जिन पर एक कवर लगा हुआ है। उससे पहले को खोलने के लिए हमें ये कवर खोलना होगा। देखिए दोस्तों, ये बाहर आ गया है। इसमें जो है ना, ये जो यहाँ पर एक पूरा बोल्ट होता है जो इसमें फिक्स होता है इसके अंदर, वो इसी में रह गया है, वो हमें निकालना है। वो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये प्लास्टिक जो चढ़ी हुई है उसको हम पहले उतार लेते हैं, तभी ये खुल पाएगा। इससे जो प्लास्टिक जमी हुई थी वो उतर चुकी है ये, तो हमें ये खोलना है ताकि हम इसमें अपना दूसरा रोटेटर फिट कर सकें। आपको करना ये है कि प्लास से एक प्लास से आपको ये पकड़ना है कस के। तो आपको करना ये है कि आपको जिस तरफ बोल्ट कसते हैं ना, उस तरफ घुमाना है, तब ये खुलेगा, यानी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, तो हम अपने अपनी मिक्सी का मोटर जो है फिट कर देते हैं जैसे लगा हुआ था वैसे ही। तो अपने पास कर दिया। आखिरी काम ये रह गया है, इसको हम इसमें लगाना है, और जिस तरफ बोल्ट कसा जाता है उसकी उल्टी तरफ आप घुमाएंगे इसको, तब जाके ये टाइट होगा। ठीक है,
सो गाइज, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।